छोड़ोगे? यस सर। अभी क्या छोड़ते हैं लोग? कुछ नहीं सर। अभी छोड़ते हैं रोपा, छोड़ते हैं रोपा, छोड़ते हैं। पहले बाप दादा रोपे में घुसे कीचड़ के अंदर, इतना मिट्टी में, अब कौन घुसता है? बच्चे घुसते हैं। फिर बाद में कौन घुसेगा? उनके बच्चे घुसेंगे। समझ आ गया? सारा जिंदगी मिट्टी मिट्टी हो रखी है, बताइए कोई फायदा है क्या? अब यार ये कब पे हम लोग अपने क्या छोड़ते हैं, दिख रहे आपको क्या है ये लड़ाई? किस चीज की है? चाबी की तो लड़ाई है ना, है या नहीं है? आपने सीरियल देखे होंगे, सास क्या लटका के घूमती थी अपने चाबी, चाबी चाबी का छल्ला, भले ही सारा तिजोरी खाली हो, लेकिन लड़ाई किस चीज की होती थी? चाबी की लड़ाई होती थी। समझ आया क्या? चाबी की लड़ाई हो रही है सर। और लेकिन भाई उस चाबी में मजा नहीं है जितना यहाँ की चाबी में मजा है। समझ आया क्या? हमारे कृष्णा और राम जी क्या छोड़ गए? चाबी छोड़ गए। समझ आया? चाबी छोड़ गए। आपने देखा होगा बबीता नाम है ना, yes, 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 yes. बबीता को देखा होगा दिल्ली प्रोग्राम में, कितने लोग आए थे दिल्ली? सारे आए थे यार, बहुत बढ़िया, ताली हो जाए। अब आप सोचिए जैसी बबीता उस टाइम दिल्ली में दिख रही थी, क्या कृष्णा के जीते जी वैसी दिखती होगी? 100% बोल रहा हूँ, नहीं दिखती होगी। yes, sir, yes. मनीष को अच्छे से पता होगा, सारे मनीष जानते अच्छे से, बारीकी से नजदीकी से देखा है, नहीं दिखती होगी। लेकिन कृष्णा और राव जीते जी वो नहीं कर पाया जो कृष्णा और राव ने मन के कर पाया। समझ आया? आज कृष्णा और राव को रोहित सर खूब नलायक नलायक बोलते थे, खूब गालियां देते थे, समझे नहीं समझ बात को? लेकिन पता नहीं वो नलायक कब लायक हो गया, कब अपनी विरासत छोड़ गया। आज उसकी बीवी देखो कितना अच्छा जीवन जी रहे, आज उसके बच्चे बहुत अच्छा जीवन जी रहे। वही बात श्याम सुंदर की हम कर रहे। श्याम सुंदर सर ने बिजनेस किया था, उन्होंने जीते जी मजे ली, उनका जिंदगी तो रगड़े में खत्म हो गया भाई, स्ट्रगल में खत्म, मेहनत में खत्म। मलाई खाने वाला आया बोला, मलाई कौन खा गया? आगे बेटा खा गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो एक चीज को समझिए, ये भैया बिजनेस है जहाँ पे हम विरासत किसको छोड़कर जाते हैं? अपने आने वाली नस्लों को, समझेगी जरूर, तभी इज्जत होती है। मैंने एक वो देखा था, एक वीडियो देखी थी फेसबुक में, एक आदमी बीमार है मरने की हालत में, ठीक है, मरने की हालत में है। तो डॉक्टर बोलता है यार उसके बच्चों को, भैया तुम्हारा बाप उनसे कुछ कहना चाहता है, बस आखिरी कुछ समय है, जल्दी से आओ सुन लो। तो उसके तीन बच्चे होते हैं, तीनों बच्चे जाते हैं बाप के पास। तो बाप बोलता है बेटा ऐसा है, वहां पे तीन कोठियां हैं, कोठियां समझते ना आप, बड़े बड़े मकान, वो तेरे नाम, वहां वाली एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में इतने फ्लैट है वो तेरे नाम, और यहाँ पे ये वाला जो सोसाइटी होगा इसमें इतने फ्लैट है ये तेरे नाम। और बुड्ढा खत्म, सांस खत्म। डॉक्टर हैरान, डॉक्टर बोलता है यार कितने खुश नसीब बच्चे हो आप लोग यार, आपका बाप इतना अमीर है, किसी को कोठियां दे गया, किसी को सोसाइटी में इतने फ्लैट दे गया, किसी को इतने फ्लैट दे गया। तो बच्चे बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब बाप अमीर थोड़े था, बाप तो अखबार फेंकने का काम करता था। क्या फेंकने का काम? तो बाप सुबह सुबह अखबार फेंकता था, तीन कोठियों में फेंकता था, उधर कितने फ्लैट में फेंकता था, वही काम किसको छोड़ गया? अपने बच्चों को छोड़ गया। समझ आ गया? तो आप कौन सा देना चाहते हैं बच्चों को? है बताइए, वैसा या ऐसा? अभी हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट से है, ठीक है, जिंदगी भर मुझे